अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं हंटर बीफ। कैसे बनाते हैं चले बनाना बताते हैं आपको। ये हमारे पास 1 किलो से ज़्यादा है ये पीस हंटर बीफ बना रहे हैं इसमें हम, तो इसको कट लगाएंगे पहले। ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने हैं इसके अंदर, देखिए इस तरीके से ये सारे कट लग गए इसमें। इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमारे पास 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। अच्छे तरीके से हमारे पास कच्चा पपीता है जो बारीक पीस लिया हमने। इसको खिलाने में मदद देगा इसके। इसको रखेंगे हम 10 से 11 घंटे इसको हम फ्रिज में रखेंगे। बहुत मजे का बनता है ये। थोड़े हल्के कट लगाएंगे, अगर बहुत गहरे लगाएं वरना ये गोल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाकी का अदरक लहसुन भी इसमें डाल देते हैं। बाकी पपीता है वो पीछे लगा देंगे सारा। देखिए पपीते में और अदरक लहसुन में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इतना जितना गाढ़ा रखा हुआ है हमने तो इसी तरीके से होना ज़रूरी है, वरना पानी पानी होगा तो अंदर तक से निकल जाएगा वो। फिर ये तो हमने लगा दिया इसके अंदर। हमारे पास मसाले हैं, ये हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून, और ये चीनी है हमारे पास गुड़ वाली चीनी जो होती है ये 2 टेबल स्पून है। मिर्च डाल दी इसका, जीरा है 1 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून के करीब नमक है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये टार्टरी है हमारे पास सिट्रिक एसिड, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है, अच्छा देखिए। और ये है हमारे पास सिरका, सिरका है हमारे पास। अभी पहले हम इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं। मज़ेदार सा बनेगा इसके अंदर। वैसे इसमें डलता है कलमी शूरा, अगर हम वो नहीं डालेंगे क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल तो है नहीं, उसको बहुत एहतियात से डालना पड़ता है, जो कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते इस चीज़ का। सारे इस पर डालेंगे इसके अंदर, खूब
अच्छे तरीके से मसाला भर देंगे आगे भी और पीछे भी। ये बकरीद गई है, सभी के घर में होगा ये गोश्त साबित पेस्ट, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। अच्छे तरीके से इसमें लपेट दें, खूब लजीज माशाल्लाह से खुशबू आ रही है इसकी। देखिए अदरक लहसुन में और पपीते में पानी कम है, इसने सब पकड़ लिया है, अगर पानी नहीं होता तो भी बिल्कुल रनी हो जाता। अच्छे तरीके से अंदर तक देखें, सारा मसाला इसमें लगा दिया है हमने, कोई मजबूत धागा लेके, अच्छा मजबूत धागा है ये मोटा, इससे हम इसको बांध देंगे। शोर आ रहा होगा आपको, मैं तोते बोल रही हूँ। धागा कोई सा भी हो बस मजबूत होना चाहिए। इससे 11 घंटे 12 घंटे भी चलेंगे, इसको आप रखिए भूल जाए अगर फ्रिज में, बहुत मजेदार होता है ये। हमने पहले भी बनाया था जब हम वीडियो नहीं बना रहे थे, जब भी हमने बनाया था ये। इसको बांधना ये जरूरी है कि हमने जो कट लगाए हैं इसके अंदर, जाहिर है पपीता लगाया है इसमें, तो जब हम पकाएंगे इसको तो कट खुल के सारा गोश्त जो है वो फैल जाएगा। अच्छा अब इसको उठा के हम वापस, बॉल है सारा मसाला जो है सब इस पर डाल देंगे। इसे हम रख देते हैं 10 से 11 या 12 घंटे इसको रख देते हैं, उसके बाद जब पकाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे पकाएंगे इसको। तो देखें हमारे पास जो हमने अपना ये हंटर बीफ बना के इसको मसाले में करके रखा था, उसको तकरीबन हमारे पास
13 से 13.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। इसको कैसे पकाएंगे चले आए देखते हैं। देखें इतना बड़ा हमारे पास खुले मुंह का पतीला है, इसके अंदर हम ये उठा के आराम से इस पानी समेत इसको रख देंगे। पहले हम इसको डालते हैं इसके अंदर। अभी चूल्हा बंद है हमारा, ये सारा मसाला है इसके अंदर, सब डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसका चूल्हा ऑन करते हैं। थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। इस पर ये इसकी लीड, और फिर जब इसके अंदर स्टीम बनने लगेगी तो इसको हम स्लो कर देंगे बिल्कुल मीडियम आंच, क्योंकि हमने इसे पानी वगैरह अभी कुछ नहीं डाला ना, इसमें ऑयल डालते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अभी थोड़ी देर हम इसको तेज़ आँच पर रखेंगे। देखिए इसमें स्टीम बनने लगी, अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिल्कुल स्लो हो गया इसका चूल्हा, इसको स्लो आंच पर ही पकने देंगे। कम से कम इसको आधा घंटा तो एक तरफ से पकाएंगे, आधे घंटे बाद इसको टर्न कर देंगे। तो ये आधा घंटा हो गया, इसको हम पलट देंगे इसको यहाँ से। फिर इधर से पकने देंगे इसको, आंच हमारी हल्की है। देखें आधे घंटे के बाद हमने इसको पलट दिया था, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। इसकी फाइनल लुक देखें, देखना होगा आपको, ये सब मसाला भी इसका भून गया साथ में। उसको दिखा देते हैं आपको छुरी से, तक ये और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मसाला है ये सब निकाल देंगे हम। देखिए इसके जो हमने धागे बांधे हुए थे वो धागे हम खोल देंगे। धागे निकाल दिए जो बांधे थे धागे हमने। बड़ा ही मजेदार सा ये हमारा हंटर बीफ बनके तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा मजेदार सा हंटर बीफ बनके तैयार हो गया। आपको दिखा दिया हमने कि सारा ही गल गया है। इस तरीके से आप इसके पीस तो हमने कर ही लिए हैं, अब इसको अलग अलग करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
चलें मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।